नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, प्रीलिम्स से 3-4 दिन पहले ये हमारा इस पर्टिकुलर रिवीजन सीरीज का आखिरी वीडियो होगा और इस वीडियो में हम 10 नहीं बल्कि 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उम्मीद करूंगा कि ये आखिरी वीडियो भी आपके उतने ही काम आएगा जितनी हमारी पूरी ये रिवीजन की सीरीज थी। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रीलिम्स के बाद भी हमारे इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर नॉट सब्स्यूम्ड अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, आपको बताना है। सबको पता है कि जीएसटी में बहुत सारे टैक्स जो है वो मिला लिए गए थे, सब मिलके एक जीएसटी बना था, लेकिन कुछ टैक्स ऐसे थे जो जीएसटी के अंदर नहीं आए थे, वो आपसे पूछा जा रहा है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स या फिर प्रॉपर्टी लिमिट बाय लोकल बॉडीज। तो दोस्तों, एंटी डंपिंग ड्यूटी अलग ही है, वो जीएसटी के अंदर नहीं आता। उसी तरीके से प्रोफेशनल टैक्स भी अलग ही है और प्रॉपर्टी टैक्स लिमिट बाय लोकल बॉडीज ये भी हटा दो, ये तीनों जीएसटी के अंदर सब्स्यूम नहीं है। ठीक है, सर्विस टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स है। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सी गाइस, दैट इज 1, 2 एंड 5। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल में अगर हम देखें तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और कस्टम्स जो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है वो सब्स्यूम्ड है। उसी तरीके से स्टेट लेवल में ये सारी ड्यूटीज जो है वो सब्स्यूम्ड हुई है। टैक्सेस नॉट सब्स्यूम्ड इंक्लूड बेसिक कस्टम ड्यूटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में जो सेंट्रल एक्साइज लगता है, देन एंटी डंपिंग, देन वैट ऑन एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्टाम्प ड्यूटी एटसेट्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन कोल इज बर्न इट रिलीजेस अ नंबर ऑफ एयरबॉर्न टॉक्सिंस एंड पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, कौन कौन से? मर्करी, लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हेवी मेटल्स। ठीक है, तो जब कोयला जलता है, बर्न होता है, तो वो ये सारे के सारे एयर पॉल्यूटेंट्स टॉक्सिंस रिलीज करता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी दोस्तों, दैट इज 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, व्हेन कोल इज बर्न इट रिलीजेस अ नंबर ऑफ एयरबॉर्न टॉक्सिंस एंड पॉल्यूटेंट्स, इट इंक्लूड्स CO2, मर्करी, लेड, सल्फर डाइऑक्साइड एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, हेल्थ इंपैक्ट्स कैन रेंज फ्रॉम अस्थमा एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज टू ब्रेन डैमेज, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, प्रीमैच्योर डेथ एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैन डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को गृह मंत्रालय यानी कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री आतंकवादी जो घोषित करता है, टेररिस्ट जो डिक्लेयर करता है, वो कौन से प्रोविजन के तहत करता है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 या फिर नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी। ठीक है, सो द एमएचए कैन डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट अंडर द अमेंडेड एंटी टेरर लॉ दैट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 2019। ठीक है, सो द यूएपीए वाज इनएक्टेड इन 1961 में इसे अमेंड किया गया और इस अमेंडमेंट ने गृह मंत्रालय को ये पावर दी कि वो इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल मार्केट्स एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स AMFFRI। एग्रीकल्चरल मार्केट्स एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स इवेल्युएट्स इंडियन स्टेट्स ऑन द एक्सटेंट टू व्हिच ईच ऑफ देम अंडरटुक रिक्वायर्ड एग्री रिफॉर्म्स। A high AMFFRI rank implies the state is undertaking desired reforms. AMFFRI is the initiative of Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. दोस्तों, ये जो इंडेक्स है एग्रीकल्चरल मार्केट्स एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स, ये नीति आयोग का इनिशिएटिव, और इसमें किसी स्टेट की अगर रैंक लो है, इसका मतलब दैट स्टेट इज अंडरटेकिंग डिजायर्ड रिफॉर्म। A high AMFFRI rank does not imply that. So correct answer होगा इस क्वेश्चन का only A, that is only one. ठीक है, a low rank implies the state is undertaking desired reforms and it was found that states that took under that undertook reforms were ranked low on AMFFRI. ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है ये क्या इवेल्युएट करता है? ये इवेल्युएट करता है इंडियन स्टेट्स को ऑन द एक्सटेंट टू विच ईच ऑफ देम अंडरटुक रिक्वायर्ड एग्री रिफॉर्म्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अ शॉर्ट सर्किट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट अलाउज अ करंट टू ट्रेवल अलोंग एन अनइंटेंडेड पाथ इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द सर्किट
At the time of short circuit, the current in the circuit reduces substantially. So पहला statement तो सही है. Short circuit यानी कि electrical circuit जो कि current को allow करता है to travel along an path. ठीक है. लेकिन second statement यहाँ पे false है. Correct answer होगा इस question का only one guys, that is A. ठीक है. So basically in the short circuit condition, it results in excessive current flowing through the circuit. ठीक है, शॉर्ट सर्किट का ऑपोजिट होता है ओपन सर्किट, विच इज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बिटवीन टू नॉट्स. क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय नीति आयोग. गुजरात, केरला एंड पंजाब आर द टॉप थ्री परफॉर्मर्स अमॉन्ग मेजर स्टेट्स इन दी SECI. दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों. न्यूज में था ये कि नीति आयोग ने स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स लॉन्च की है और ये पहली ऐसी इंडेक्स है जो कि राज्यों के एफर्ट्स को ट्रैक करेगी कि उन्होंने क्लाइमेट सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में कितना काम किया है. ठीक है, तो 6 पैरामीटर्स हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की परफॉर्मेंस हो गई, देन अफोर्डेबिलिटी कितनी है, लोग एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, क्लीन एनर्जी के कितने इनिशिएटिव्स हैं, एनर्जी एफिशियंसी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और नए इनिशिएटिव्स क्या है. ठीक है, टॉप परफॉर्मर्स में गुजरात, केरला, पंजाब है, बिल्कुल करेक्ट है. और जबकि अगर हम बात करें स्मॉलर स्टेट्स में, गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू माइक्रो स्विमर्स. दे आर माइक्रोबॉट्स मेड फ्रॉम द टू डायमेंशनल कंपाउंड PHI कार्बन नाइट्राइड. दे कुड अलाउ डॉक्टर्स टू डिलीवर ड्रग्स टू टारगेटेड रीजंस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. तो माइक्रो स्विमर्स, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे भी इनसे रिलेटेड सही है गाइज. रिसर्च में ये पता चला है कि इट इज पॉसिबल टू यूज लाइट एज अ फ्यूल टू मूव माइक्रोबॉट्स इन रियल बॉडी कंडीशंस विद इंटेलिजेंट ड्रग डिलीवरी. That is selectively sensitive to cancer cells. ठीक है, और माइक्रो स्विमर्स जो है वो डॉक्टर्स को अलाउ करते हैं टू डिलीवर ड्रग टू टारगेटेड रीजन इन साइड द ह्यूमन बॉडी. बिल्कुल करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. इट हैज द कैपेबिलिटी टू पुट अ हेवियर पेलोड इन ऑर्बिट देन द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. It is designed mainly to deliver Earth observation or remote sensing satellites. So, दोस्तों second statement तो यहाँ पे गलत होगा क्योंकि Earth observation या फिर remote sensing satellites deliver करने के लिए PSLV को design किया गया है, GSLV नहीं. तो second statement तो यहाँ पे false है. पहला statement सही है. Correct answer होगा only one, that is A. Difference अगर हम देखें तो GSLV और PSLV के बीच में जो difference है इससे related काफी बार questions आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा. GSLV has the capability to put a heavier payload in orbit than the PSLV. ठीक है, PSLV जो है वो 2000 kg तक का वेट कैरी कर पाता है जबकि GSLV 5000 तक और साथ ही साथ हायर एल्टीट्यूड्स भी वो रीच कर सकता है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, दैट इज INCOIS. इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. It is located in Hyderabad. ठीक है, so INCOIS यानी कि INCOIS. तो ये दोस्तों Earth Sciences Ministry के अंदर आता है, autonomous organization है, हैदराबाद में located है, 1999 में establish हुआ था और साथ ही साथ Earth System Science Organization EWSO का ये एक unit है. Okay, it operates as an executive arm of the Ministry of Earth Sciences for its policies and programs. It is mandated to provide the best possible ocean information and advisory services to society, industry, government agencies and the scientific community. Agla sawal. He was given the title of Mahatma, social activist Vithal Rao Krishnaji Vandekar. He formed Satya Shodhak Samaj in 1873. Yahan pe kiski baat? Basically yahan pe kiski baat ho rahi? Jyotiba Phule, B.R. Ambedkar, M.G. Rana ne, Bal Gangadhar. Theek hai? The above description most appropriately explains which of the personalities. ठीक है, ये आप edit कर लीजिएगा. So correct answer दोस्तों इसका होगा A, that is ज्योतिबा फुले. ठीक है, ज्योतिबा फुले की अगर हम बात करें तो along with his followers, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में. ठीक है, और महात्मा का टाइटल जो है महाराष्ट्रियन सोशल एक्टिविस्ट विठल राव कृष्णजी वांडेकर ने उन्हें दिया था. क्वेश्चन नंबर 11. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA. इट इज अ सब्सिडरी ऑर्गन ऑफ द UN जनरल असेंबली व्हिच वर्क्स एज अ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी. UNPA इज इंटायरली सपोर्टेड बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ डोनर गवर्नमेंट्स एंड नॉट बाय द UN बजट.
तो दोस्तों यूएनएफपीए काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, दोनों स्टेटमेंट हालांकि यहाँ पे सही है, इसके बारे में डिटेल में और पढ़ लीजिएगा अबाउट अस वाले पेज में जाके, ठीक है, जब भी आप यूएनएफपीए की वेबसाइट ओपन करोगे। तो ये यूएन जनरल असेंबली का एक सब्सिडरी ऑर्गन है और साथ ही साथ यूएन इकोसॉक इसके मैंडेट को एस्टैब्लिश करता है। ओके, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ ट्रस्ट फंड इन 1967, 1969 में इसने अपने ऑपरेशन शुरू किए। इट वर्क्स डायरेक्टली टू टैकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑन हेल्थ एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 12, द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी हैज इट्स जेनेसिस इन द फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। द ब्रिक्स नेशन साइंड कंटिंजेंट रिजर्व अग्रीमेंट इन 2014 एज अ पार्ट ऑफ द फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। सो गाइस, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स और ब्रिक्स से रिलेटेड चीजें काफी ज्यादा न्यूज में रहती हैं, पूछी जाती हैं। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही होंगे। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। ठीक है, सो ब्रिक्स जो एक्रोनिम है वो 2001 में फॉर्मुलेट किया गया था बाय इकोनॉमिस्ट जिम ओनिल ने, जो कि गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट थे, और कहीं ना कहीं ये चीज भी बार बार पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट व्हाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस। It's a form of hidden inflation. It stealthily boosts profit margins when companies face rising input cost. ठीक है, जैसा कि पार्ले जी का आपने देखा होगा कि 5 रुपए की पार्ले जी अभी भी 5 रुपए की ही मिलती है, लेकिन क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, तो एक तरीके से लोगों को पता नहीं चलता कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कौन से इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका डी, दैट इज श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन मतलब आपने प्रोडक्ट की साइज को रिड्यूस कर दिया, उसके स्टिकर प्राइस को मेंटेन रखा। इट आल्सो रेफर्ड टू एज पैकेज डाउनसाइजिंग इन बिजनेस एंड एकेडमिक रिसर्च। दो स्टेटमेंट्स हैं, डारलोंग इज अ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ सिक्किम। द डारलोंग्स हैव कस्टमरी लॉज एंड प्रैक्टिसेस टू गवर्न देम एंड डिस्पेंस देयर ओन अफेयर्स। डारलोंग त्रिपुरा की ट्राइबल कम्युनिटी है दोस्तों, सिक्किम की नहीं, और साथ ही साथ इनके कस्टमरी लॉज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, बेसिकली जो रीति रिवाज होते हैं जिसके माध्यम से ये अपने आप को गवर्न करते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज ओनली। ओके, सो इट्स अ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 11,000। द कम्युनिटी हैज अ हाई प्रिवेलेंस ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज एंड मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी सर्व इन सीनियर पोजीशन इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, traditionally they adopt jhum cultivation or shifting cultivation and many of their traditional values, culture, songs, dances and hunting activities revolve around the cycles of shifting cultivation. Question number 15, two statements hain. Microplastics are plastics less than 5 cm in diameter. Primary microplastics are formed from the breakdown of larger plastics such as water bottles. So guys, microplastics यानि कि वो प्लास्टिक जो 5 millimeter diameter से कम होता है, जिनका 5 centimeter तो बहुत हो गया यार, पहला स्टेटमेंट गलत है। और रही बात कि क्या प्राइमरी microplastics लार्जर प्लास्टिक्स के ब्रेकडाउन से बनते हैं, वो सेकेंडरी microplastics होते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट गलत होंगे। करेक्ट आंसर होगा इसका नीदर वन नॉट टू, दैट इज डी। ठीक है, प्राइमरी microplastics आर टाइनी पार्टिकल्स डिजाइन फॉर कमर्शियल यूज and microfibers shed from clothing and other textiles. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, consider the following statements regarding India's civil aviation market. The sector has witnessed growth at a compound annual growth rate of about 13% during financial year 16-20. The government has allowed 75% FDI under automatic route for greenfield and brownfield project. So guys, government ने 100% FDI allowed, ये second statement तो यहाँ पे false. और रही बात 13% ग्रोथ की, ये बिल्कुल करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट सही होगा। इंडियाज सिविल एविएशन इज अमॉन्ग द फास्टेस्ट ग्रोविंग एविएशन मार्केट्स ग्लोबली एंड इट विल बी अ मेजर ग्रोथ इंजन टू मेक इंडिया अ $5 trillion इकोनॉमी बाय 2024। क्वेश्चन नंबर 17, द यूएन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड डिकेड 2018-2028 एज द इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। The Asia Pacific region is the largest groundwater abstractor in the world. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। SDG 6 ensures availability and sustainable management of water and sanitation for all. ये भी सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 के सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में ध्यान से पढ़िएगा, और जो गोल नंबर 6 है वो क्या है, वॉटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030, और थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल।
The theme was designed by UN Water at its 30th meeting in Rome. It was proposed by the International Groundwater Resources Assessment Center, IGRAC. Question number 18. Minamata Convention. News mein rehta hai, kisse related hai? Access to Black Sea, melting of Arctic, mercury pollution, allocation of orbit. Correct answer hoga, dosto, iska mercury pollution, that is C. Theek hai, Minamata pollution, Convention on Mercury Pollution. It's a global treaty to protect human health and the environment from the adverse effect of mercury and its compounds. ठीक है, और ये जो कन्वेंशन है ये मर्करी के लाइफ साइकिल के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है. क्वेश्चन नंबर 19. 20th मार्च एवरी ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड स्पैरो डे. स्पैरोज आर ओनली फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो दोस्तों स्पैरो सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, ये तो गलत है. ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए. एवरी ईयर ऑन 20th ऑफ मार्च वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑब्जर्व्ड टू रेज अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट द हाउस स्पैरो. The Nature Forever Society of India and the Ecosystem Ecosys Action Foundation of France came up with the idea of World Sparrow Day. और साथ ही साथ कि सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं ये गलत इसलिए है बिकॉज इट कैन नाउ ऑल्सो बी फाउंड इन द न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एटसेट्रा. क्वेश्चन नंबर 20 विद रेफरेंस टू अफ्रीकाज बोमा टेक्निक दो स्टेटमेंट्स हैं. It involves luring animals into an enclosure by chasing them through a funnel-like fencing. It was used recently at the Kevla Dev National Park in Rajasthan. Dono statement yahan pe sahi hai. Theek hai, Kevla Dev National Park mein Africa ki ye boma technique use ki gayi thi. It was undertaken for capturing cheetal ya fir spotted deer and translocating them to Mukundra Hills Tiger Reserve. Theek hai, it is popular in Africa. And it involves luring animals into an enclosure by chasing them through a funnel-like fence. Question number 21. SUPACE, SUPACE, has been recently seen in the news. Kisse related hai? Indigenous space maker developed by ICMR, NASA's new probe for Uranus, use of artificial intelligence by the Supreme Court of India, missile defense system of European Union. So guys, SUPACE, ye related hai, use of artificial intelligence by the Supreme Court of India se. Theek hai? तो इसका फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा ये रिसेंटली लॉन्च किया गया था एंड इट इज डिजाइन्ड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड जुडिशियल प्रोसेसेस दैट रिक्वायर ऑटोमेशन. इट देन असिस्ट द कोर्ट इन इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग पेंडेंसी. विद विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशंस ज्योतिराव फुले वॉज एसोसिएटेड. तृतीय रत्न, गुलामगिरी, शिकतकरच्य, औसत, असूत. तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी, सारे करेक्ट है. ज्योतिबा फुले. ठीक है, ज्योतिबा फुले इंडियन सोशल एक्टिविस्ट, थिंकर, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर, राइटर फ्रॉम महाराष्ट्र, और इनके बारे में थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया. क्वेश्चन नंबर 23. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022. सो गाइस, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं जितने भी हम यहाँ पे कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें आप ध्यान से रिवाइज कीजिएगा. ठीक है, इट वॉज पब्लिश बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट. इंडिया रैंक थर्ड ऑन द लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स. सो सेकंड स्टेटमेंट तो फॉल्स है. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है. रही बात कि ये रिलीज किसने किया है, सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेमोक्रेसी रिपोर्ट फ्रॉम द वीडेम इंस्टीट्यूट एट स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग. ठीक है, तो ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज नहीं किया है. दोनों गलत है, करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि नॉट करेक्ट आपसे पूछा गया. ठीक है, तो इसके बारे में आप और डिटेल में जरूर पढ़ लीजिएगा. Question number 24. Consider the following statements with reference to Samarth Initiative. It's an initiative of the Ministry of Women and Child Development. It will provide benefits to aspiring and existing women entrepreneurs. I guess Samarth Initiative के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा. ये MSME Initiative, MSME Ministry का Initiative, Child Development Ministry का Initiative नहीं है. और basically इस particular scheme के माध्यम से the Ministry of MSME is focusing on providing skill development and market development assistance to women. Under which of the following articles of the Constitution are the High Courts empowered to issue writs for the enforcement of fundamental rights? So Supreme Court Article 32 ke under aur High Court Article 226. Correct answer hoga iska D. Theek hai? So ye writs aapne zarur padhi hogi polity mein aur nahi padhi to ek baar revise zarur kar lijiye. Question number 26. The Ahom state depended upon the forced labor. Ahoms refused the
Hindu religion and worship their own tribal gods. The Treaty of Yandabu led to the annexation of land ruled by the Homes to the British. तीन statements हैं और तीनों में से अगर हम यहाँ पे देखें second statement यहाँ पे false है. Homes worshipped their own tribal gods. लेकिन उसके बाद भी they accepted the Hindu religion and the Assamese language. ठीक है? So Chawlung Sukapa was a 13th century ruler who founded the Ahom kingdom that ruled Assam for 6 centuries. Question number 27 with reference to state of children in India, those statements. According to the NFHS 5 survey, there are improvements in the level of stunting and wasting. Incidents of anemia among children have gone up. So guys, dono statement yahan pe sahi hai. ठीक है, अनीमिया के जो केसेस हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो बढ़े हैं. ठीक है, और ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, इसने मिक्स्ड पिक्चर प्रेजेंट की है, कोई एनकरेजिंग साइंस नहीं है, कहीं पे कमी है, कहीं पे बढ़ोतरी है. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन इन प्लांट सॉइल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस एंड द ओशन. द डंपिंग ऑफ आयरन इन द ओशन हेल्प्स इन CO2 एब्जॉर्प्शन. तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है गाइज, नो नीड टू डिस्कस इट. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन, कार्बन को आपने ट्रैप कर लिया, कार्बन को आपने कहीं पे अब्सॉर्ब करा दिया. कई तरीके के टाइप्स के कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होते हैं, टेरेस्ट्रियल, जियोलॉजिक, ओशन. क्वेश्चन नंबर 29, रजजा लेक जो न्यूज में था कहाँ है? ईरान, इराक, यूक्रेन, कजाकिस्तान. करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज ईरान. ठीक है, तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन इराक and it's part of wide valley that includes the lake of Habaniya, Tharthar and Bahr al-Nazaf. Question number 30, Sustainable Cities India program, news mein tha, kisne launch kiya hai? World Economic Forum, UNDP, World Bank, Human Habitat. Correct answer hoga iska World Economic Forum. So World Economic Forum and the National Institute of Urban Affairs signed an MOU to collaborate on a jointly designed Sustainable Cities India program. ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा समाप्त होता है. उम्मीद करूंगा कि ये रिवीजन सीरीज आपको पसंद आई होगी, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके कोई डाउट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताइए. धन्यवाद दोस्तों.